एक बारीक अंधेरी और तूफानी रात में एम्मा और उसके दोस्तों ने एक पुराने और परित्यक्त हवेली में एक स्लम्बर पार्टी करने का फैसला किया। जैसे ही लड़कियां वहां बस गईं, उन्होंने एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाई और एम्मा ने सुझाव दिया कि वे इसे और अधिक साहसिक बनाने के लिए हवेली का पता लगाएं। अपनी शुरुआती झिझक के बावजूद लड़कियों ने अपने बहादुर चेहरों पर हाथ डाला और एक साथ पुरानी हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे पुराने लिविंग रूम से गुजरे, उन्होंने अचानक भयानक कर्कश आवाजें सुनी और पाया कि हवेली एक बेचैन भूत द्वारा प्रेतवाधित थी। हर बार जब उन्होंने हवेली से भागने की कोशिश की तो उन्हें अधिक भयावह बाधाओं का सामना करना पड़ा जिससे वे अंदर फंस गए। उनके द्वारा खोजे गए प्रत्येक कमरे में भूत दिखाई दिया और जिसके कारण लड़कियां अलग हो गईं और हवेली के भीतर खो गईं। लड़कियों को जल्द ही एहसास हो गया कि भूत के उन्हें भस्म करने से पहले उन्हें हवेली से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए एक साथ काम करना होगा। कई बार भूत का सामना करने के बाद लड़कियों ने अंततः हवेली के काले रहस्य की खोज की। भूत एक बारीक युवा लड़की थी जिसे उसके परिवार द्वारा बलिदान कर दिया गया था और वो किसी भी घुसपैठियों से बदला लेने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने उसके घर में प्रवेश करने का साहस किया। इस नई जानकारी के साथ लड़कियों ने मिलकर काम किया और बेचैन आत्मा को शांत करने का एक तरीका खोज लिया। वे आखिरकार हवेली से भागने में सफल रहे। भूतिया मुठभेड़ से बेदाग लेकिन हिल गए। भयभीत लड़कियों ने उस हवेली में फिर कभी पैर नहीं रखने की कसम खाई, एक वादा जो उन्होंने अपने शेष जीवन के लिए रखा। लेकिन वे उस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूलेंगी जो उन्होंने एक साथ साझा किया था और हमेशा इसे एक डरावनी डरावनी